Good evening, students. आज थर्ड लेक्चर है क्लास 11th के बच्चों के लिए और पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डायमेंशंस के बारे में, हाउ टू राइट डायमेंशंस ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। होप कि तुमने उसका होमवर्क किया होगा, क्योंकि मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था इसके लिए, तो तुम होमवर्क भी किए होगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इसमें बता रहे हैं आप लोगों को एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, मतलब डायमेंशनल एनालिसिस का क्या क्या एप्लीकेशंस है, ये मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के बीच, डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशंस। तो यहाँ एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस के मेनली फोर एप्लीकेशंस है, जिसमें फर्स्ट एप्लीकेशन है टू फाइंड द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन अ गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मतलब किसी सिस्टम ऑफ यूनिट्स में अगर दिया हुआ है हमें कोई क्वांटिटी और मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, तो उस डायमेंशनल फॉर्मूला को देख करके हम लोग यह बता देंगे कि इसका किसी प्रॉपर सिस्टम में यूनिट क्या होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला तुम्हें पता है, तो तुम उस डायमेंशनल फॉर्मूला को देख करके किसी भी सिस्टम में उसका यूनिट लिख सकते हो। जैसे मान लो कि अगर कोई डायमेंशनल फॉर्मूला तुमको दिया हुआ है, तो डायमेंशनल सिंबल से तुम्हें यह पता चल जाएगा कि उसका यूनिट क्या होता है, क्योंकि डायमेंशनल सिंबल्स में तुम यूनिट और क्वांटिटी के नाम के बारे में पढ़ चुके हो। तो जैसे ही तुम किसी क्वांटिटी का डायमेंशनल सिंबल्स देखोगे, डायमेंशनल फॉर्मूला देखोगे, तुम उसका करस्पोंडिंग यूनिट वहां लिख दोगे, तो तुम्हें उसका डायमेंशनल फॉर्मूला से यूनिट मिल जाएगा। जैसे बाय रिप्लेसिंग द डायमेंशनल सिंबल्स with the corresponding units in the given system, we find the unit of physical quantity. Sometimes we assign a specific name to this unit. The specific name given to the unit in the name of scientist is said to be an honorary unit. कभी कभी क्या होता है कि हम यूनिट तो लिखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला देख करके, लेकिन उसको एक अलग यूनिट, स्पेसिफिक यूनिट असाइन करते हैं और उस स्पेसिफिक नाम को हम लोग उससे रिलेटेड साइंटिस्ट के नाम पर रखते हैं, नहीं, और उस साइंटिस्ट के नाम पर जो यूनिट रखा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑनररी यूनिट। क्या बोलते हैं? ऑनररी यूनिट बोलते हैं। जैसे कि न्यूटन, टाइन, जूल, एम्पियर, ये सारा क्या है? ऑनररी यूनिट है, क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में, फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में ये यूनिट तो एक्सप्रेस किया जा सकता है, लेकिन हम वैसा नहीं रख करके नाम इसका कोई स्पेसिफिक नेम दे दिया है साइंटिस्ट से रिलेटेड, तो उसको हम लोग ऑनररी यूनिट बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं एग्जांपल। जैसे मान लो कि तुम्हें वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला दिया हुआ है, ये वर्क है। होप कि तुमने वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव किया होगा, लास्ट क्लास में मैंने बताया था। तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? ML2T-2। वन थिंग शुड बी रिमेम्बर्ड हियर दैट यू हैव टू रीड ML2T-2, नेवर रीड इट एज L2। बात आई समझ में? मतलब यहां जो L2 है इसको पढ़ेंगे L2, L2 नहीं पढ़ेंगे। बात आई समझ में? एल स्क्वायर अगर पढ़ोगे तो इसका मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला तुम नहीं पढ़ रहे हो, इसलिए हम इसको L2 बोलते हैं। या L3 अगर पावर होगा तो L3 बोलेंगे, L3 नहीं बोलेंगे। कुछ टीचर्स तुमको बोलेंगे भी उसको L2 L3, बट यू शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलो, यू शुड स्ट्रिक्टली फॉलो दिस instruction that this is ML2T-2, it is not ML2T-2. Means it is strictly prohibited to pronounce 2 as square
or to pronounce 3 as cube. Okay, you must remember this thing there. Now you have dimensional formula of work and you have to write its unit. You see, I have written in all the three systems, in SI, in CGS, in FPS. अब तुम्हें पता है M, यहाँ जो dimensional formula में M लिखा हुआ है, M represents mass. और जब तुम SI में बात करोगे, तो mass का unit SI में क्या होगा? kg. इसलिए SI में हमने mass को kg से replace किया. L, L means length. और length का SI में unit क्या होता है? meter. तो L को हमने meter से replace किया. और यहाँ L का power 2 है, तो मीटर में भी मैंने पावर 2 लिख दिया, ये हो गया kg मीटर स्क्वायर, s टाइम सेकंड, s माइनस 2. फिर मैं यहाँ बता रहा हूँ तुम लोगों को, देखो इसको मैंने पढ़ा kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर या kg स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट l को 2 पढ़ा है, l 2, कभी l स्क्वायर नहीं बोलना है, लेकिन यहाँ मीटर स्क्वायर हम लोग बोलते हैं. बात आ रही समझ में? कभी हम लोग L2 को L2 ही बोलेंगे, L स्क्वायर नहीं बोलेंगे. अब देखो इसी kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये वर्क या एनर्जी का यूनिट है. एनर्जी से रिलेटेड जो साइंटिस्ट था जूल, उस जूल के नाम पर इसका यूनिट हम लोग लिखते हैं जूल. देखो ये यूनिट हम लोग जूल लिखते हैं. तो जूल क्या हो गया है? स्पेसिफिक नेम हो गया यूनिट का, और इस स्पेसिफिक नेम को हम लोग लिखते हैं जूल, और यह जूल कहलाया ऑनररी यूनिट. यहाँ एक बात और ध्यान देने लायक है कि जब भी हम ऑनररी यूनिट लिखते हैं तो देखो स्मॉल जे से हमने लिखा है, लेकिन इसका सिंबल कैपिटल जे से लिखा है. ये बात मैंने तुझे तब भी बताया था जब बात कर रहा था यूनिट्स का. आ रही बात समझ में? अब देखो इन सीजीएस, अगर सीजीएस में हम लिखना चाहें तो एम मास है, मास का सीजीएस यूनिट ग्राम होता है, तो हमने ग्राम लिखा. एल लेंथ है, तो सेंटीमीटर लिखा. टी टाइम है, टाइम का सेकंड लिखा. तो सीजीएस में इसका यूनिट हो गया ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर. और फिर इसका स्पेसिफिक नेम देखो हमने दिया है यूनिट का, ये स्पेसिफिक नेम है आर्ग. तो ये आर्ग हो गया इसका ऑनररी यूनिट. अगर हम एफपीएस में आते हैं तो मास का होता है पाउंड, और पाउंड का सिंबल होता है एल बी, बोथ लेटर शुड बी स्मॉल, एल एंड बी. तो एल बी लेंथ का होता है फुट, फीट, प्लूरल अगर होगा तो फीट बोलेंगे और सिंगुलर होगा तो फुट बोलेंगे, बट दोनों का सिंबल एफ टी होगा. तो एल बी एफ टी स्क्वायर मीन्स पाउंड फुट स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया इसका एफपीएस में यूनिट. तो तुमने देखा कि अगर तुम्हारे पास ये डायमेंशनल फॉर्मूला दिया रहे तो इस डायमेंशनल फॉर्मूला के बेसिस पर तुम इस क्वांटिटी का किसी भी सिस्टम में यूनिट लिख सकते हो. तो यूनिट समझ में आ गया होगा. एक क्वेश्चन आया, सर व्हाई वी रीड एल टू नॉट एल स्क्वायर? रीजन इज दैट कि ये एक कस्टमरी है. जैसे साइंस में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम कस्टमरी की तरह पढ़ते हैं, मतलब जो हमारे साइंटिस्ट लोग या जो भी बात होती गई उसी को हम लोग फॉलो करते हैं. तो ये कस्टमरी है कि डायमेंशनल फॉर्मूला को L2 बोला जाता है, रीति रिवाज जिसको बोलते हो, परंपरा जिसको बोलते हो, वही परंपरा है कि L2 हम लोग बोलेंगे, L2 नहीं बोलेंगे. हालांकि कुछ लोग मैं देखता हूँ टीचर लोग भी कुछ L2 को L स्क्वायर बोलते हैं, तो उनसे बहस नहीं करनी है, ये तुम्हें बुक में नहीं मिलेगा लिखा हुआ कहीं, इसलिए तुमको बोलना L2 है. अगर कोई L स्क्वायर भी बोलता है तो उससे उलझना नहीं है, सीखना है तुम्हें, ठीक है? तो अब इसके बाद हम लोग बढ़ रहे हैं फिर सेकेंड जो हमारा एप्लीकेशन है. फर्स्ट एप्लीकेशन तुम समझ गए, टू कन्वर्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू द अदर. टू कन्वर्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू द अदर, कहने का मतलब यह है कि जैसे तुम्हें किसी क्वांटिटी का यूनिट दिया हुआ है और वो किसी एक नोन सिस्टम में है, मान लो SI में है, और तुम्हें CGS में कन्वर्ट करना है या FPS में कन्वर्ट करना है,
तो इसमें तुम्हें डायमेंशनल एनालिसिस मेथड हेल्प करेगा। जैसे मान लो तुमसे कोई पूछता है कि 1 मीटर, 1 मीटर जो है ये कितना है। 1 मीटर तुमसे कोई पूछे कि 1 मीटर के बारे में बताओ, तो 1 मीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। ठीक, अगर तुमसे कोई पूछेगा 1 न्यूटन कितना होगा, तो 1 न्यूटन को तुम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो, क्योंकि न्यूटन जो है वह फोर्स का यूनिट है और फोर्स जो है वह डिराइव क्वांटिटी है। तो डिराइव क्वांटिटी का कन्वर्सन हम लोग डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं, उसी में हमें हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है, ये डायमेंशनल एनालिसिस मेथड वन सिस्टम टू अदर सिस्टम में चेंज करने में। जैसे मान लो ये एग्जाम्पल है हमारा, इलस्ट्रेशन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। ये बताया था मैंने तुमसे कि मैग्नीट्यूड जो फिजिकल क्वांटिटी का होता है ये एन यू के टर्म में लिखा जाता है और एन यू कॉन्स्टेंट होता है। होप कि यू रिमेम्बर, यहाँ एन क्या है नंबर और यू क्या है यूनिट, तो एन और यू का जो प्रोडक्ट होता है ये कॉन्स्टेंट होता है। ठीक, अगर यूनिट का वैल्यू, अगर नंबर का वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू कम है, यूनिट बड़ा है, लार्ज यूनिट है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम है। अगर यूनिट स्मॉल है तो न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा होता है। जैसे मान लो 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। यही एग्जाम्पल मैंने लास्ट क्लास में भी दिया था। देखो मीटर जो है ये सेंटीमीटर से ग्रेटर यूनिट है, लार्जर यूनिट है, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू जो इसके बगल में लिखा हुआ है 1, वो 100 से लेस है। नहीं, क्योंकि जब यूनिट बड़ा हो गया तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो गया, और यूनिट जब छोटा हो गया, यूनिट छोटा हो गया तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गया, लेकिन इसका प्रोडक्ट ये क्या है, कॉन्स्टेंट है। अब हम एक इलस्ट्रेशन ले रहे हैं कि मान लो एक क्वांटिटी है जिस क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है एम ए एल बी टी सी, मीन्स दिस क्वांटिटी हैज डायमेंशंस ए इन मास, बी इन लेंथ एंड सी इन टाइम। मान लो कि तुम्हारे पास सिस्टम वन और सिस्टम टू, हम यहाँ कोई स्पेसिफिक सिस्टम नहीं ले रहे हैं, एक है सिस्टम वन और दूसरा है सिस्टम टू। तो सिस्टम वन में जो है और सिस्टम टू में अलग अलग वैल्यू दिया हुआ है। सिस्टम वन में न्यूमेरिकल वैल्यू मान लो N1 है और सिस्टम टू में न्यूमेरिकल वैल्यू N2 है। सिस्टम वन में मास का यूनिट M1 है और सिस्टम टू में मास का यूनिट M2 है। सिस्टम वन में मास लेंथ का यूनिट L1 है, सिस्टम टू में लेंथ का यूनिट L2 है। सिस्टम वन में टाइम का यूनिट T1 है और सिस्टम टू में टाइम का यूनिट T2 है। यहाँ यूनिट को हमने केजी, मीटर, सेकेंड या सेंटीमीटर, फुट इसलिए नहीं लिया है क्योंकि सिस्टम स्पेसिफाइड नहीं है, हम लोग जनरल फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, इसलिए हमने यूनिट अपने हिसाब से एक सपोज कर लिया है। अब देखो आगे हम लोग बढ़ते हैं, हमें पता है NU कांस्टेंट है, तो NU कांस्टेंट है मतलब अगर N का वैल्यू N1 है और U का वैल्यू U1 है तो N2 U2, मतलब N का वैल्यू फिक्स हो गया N2 U2, N का वैल्यू हो गया N1 और N का वैल्यू हो गया दूसरे सिस्टम में N2, यहाँ N1, यहाँ N2, U1 और U2, लेकिन इसका प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट है। अब N का वैल्यू N1 यहाँ लिखा हुआ है, यूनिट जो है ये U1 है, हम लोग यूनिट से डायमेंशन यहाँ लिखेंगे। जैसे तुम्हें मैंने बताया डायमेंशन से यूनिट लिखना, तो यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, यूनिट से डायमेंशन लिख रहे हैं। तो देखो यूनिट है U1 और डायमेंशन मुझे लिखना है। डायमेंशनल फॉर्मूला हमने देखा कि फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला हमने क्वांटिटी का लिया है ये क्या है, एम ए एल बी टी सी। डायमेंशनल फॉर्मूला हमने लिया है एम ए एल बी टी सी। तो देखो U1 यूनिट में मतलब फर्स्ट सिस्टम में
मास का यूनिट क्या होगा? m1, तो ये u1 के बदले हमने लिख दिया m1। लेंथ का यूनिट क्या होगा? l1। और टाइम का यूनिट t1। पावर हम डायमेंशन के अनुसार देते हैं, देखो a b c पावर दे दिए। n2 न्यूमेरिकल वैल्यू है, फिर यूनिट लिखना है, यूनिट इस डायमेंशन के हेल्प से हम लोग लिखेंगे, तो डायमेंशनल फॉर्मूला में यहाँ एम ए है, मास का यूनिट इसमें एम टू होता है, तो एम टू ए। ये एल बी है तो एल टू बी, और टी टू सी, ये हो गया यूनिट। तो तुमने यहाँ यूज कर लिया हाउ टू राइट यूनिट्स विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। ये फर्स्ट सिस्टम में हमने लिख दिया यूनिट, ये सेकेंड सिस्टम में यूनिट लिख दिया। अब यहाँ अगर n2 को हम लोग सब्जेक्ट बना दें इक्वेशन का, सब्जेक्ट का मतलब होता है लेफ्ट साइड में वेरिएबल जिसका वैल्यू हमें निकालना है, मतलब लेफ्ट साइड का सिंगल वेरिएबल सब्जेक्ट कहलाता है और बाकी जो भी क्वांटिटीज या टर्म्स होगा उसको हम लोग राइट साइड भेज देते हैं। तो n2 को हमने लेफ्ट साइड लिख लिया, इधर देखो n1 रह गया, m1 l1 t1, m1 l1 t1, इसका जो पावर है वही पावर m2 l2 और t2 का है। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि पावर दोनों का एक साथ लिख दिए, m1 बाय m2 पावर a, l1 बाय l2 पावर b और t1 बाय t2 पावर c। तो यहाँ से हमको एक फॉर्मूला मिल गया, n2 इज इक्वल टू n1, m1 बाय m2 a, l1 बाय l2 b, t1 बाय t2 c। अगर तुम्हें n1 का वैल्यू पता है, तुम्हें m1 m2 मतलब फर्स्ट सिस्टम और सेकंड सिस्टम में मास का यूनिट पता है, लेंथ का यूनिट पता है और टाइम का यूनिट पता है, तो तुम क्या कर सकते हो, यहां से वैल्यू निकाल सकते हो n2 का। नहीं, और अगर n1 का वैल्यू निकालना है तो तुम n2 का वैल्यू पुट कर दोगे, n1 का वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन यहां तुम्हारे पास दोनों सिस्टम के बीच फंडामेंटल क्वांटिटीज का रिलेशनशिप पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग इसका एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे मान लो हमने एग्जाम्पल लिया कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू 9, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू 9, तो न्यूटन से 9 में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले तुम्हें सोचना है कि न्यूटन किस क्वांटिटी का यूनिट है, तो यहाँ n स्टैंड्स फॉर न्यूटन। देखो फिर यहाँ हमने न्यूटन जो कि एक ऑनररी यूनिट है स्मॉल लेटर से लिखा है, मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं ताकि तुम्हें यह याद रहे, रिप्रेजेंटिंग ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, मतलब n जो है वह न्यूटन के लिए है, न्यूटन का एब्रीविएशन है और न्यूटन फोर्स के ऐसा यूनिट को बता रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि डाइन जो है ये क्या है, उसी फोर्स का सीजीएस यूनिट, न्यूटन है एसआई यूनिट किसका, फोर्स का, और डाइन क्या है, सीजीएस यूनिट उसी फोर्स का। अब जब तुम्हें यूनिट पता चल गया, यूनिट दिया हुआ है और तुमने क्वांटिटी का पता कर लिया, तो तुम्हें कन्वर्शन के लिए क्या चाहिए, कन्वर्शन के लिए तुम्हें चाहिए डायमेंशनल फॉर्मूला। नहीं तो डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए कन्वर्शन के लिए, तो डायमेंशनल फॉर्मूला हम फोर्स का लिख लेते हैं, फोर्स इज इक्वल टू mLt-2। होप यू नो द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, क्योंकि मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए बोला था, तो मुझे विश्वास है कि तुम लोगों ने डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा होगा और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mLt-2। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि सर ने लास्ट क्लास में कहा था तुम्हें डायमेंशनल फॉर्मूला याद नहीं करना है, अभी भी मैं कह रहा हूँ यू हैव नॉट टू रिमेम्बर मेमोराइज द डायमेंशनल फॉर्मूला, बट हम लोग पढ़ेंगे, जैसे फोर्स है तो फोर्स का देख लेंगे, जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें स्वतः याद हो जाएगा, इसलिए हमें रटने की जरूरत नहीं है, बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है, वो स्वतः हमें याद हो जाएगा, लेकिन अभी जहां जरूरत होगी तुम इसको पढ़ोगे mLt-2। अब जब डायमेंशनल फॉर्मूला पता चल गया तो देखो सिस्टम भी पता है हमें, फर्स्ट सिस्टम जो था न्यूटन वो क्या था, एसआई में, तो हमने यहाँ फर्स्ट सिस्टम को लिख दिया एसआई और सेकेंड सिस्टम सीजीएस में था,
तो हमने यहाँ सेकेंड सिस्टम को सीजीएस लिखा, इन सीजीएस। अब देखो फर्स्ट सिस्टम में एन वन तुमको क्या कन्वर्ट करना था, कन्वर्ट करना था 1 न्यूटन। तो 1 यहाँ क्या है, एन वन, और न्यूटन क्या है, एसआई में यूनिट। एन टू तुम्हें नहीं पता था क्योंकि 1 न्यूटन इज इक्वल टू तुम्हें निकालना था हाउ मेनी डाइंस, नहीं तो डाइन पता है, एन टू नहीं पता है। तो हमने एन टू का यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दिया कि एन टू तुम्हें पता करना। अब एम वन मास, तो तुम्हें पता है एसआई में मास का यूनिट क्या होता है, केजी, तो ये 1 केजी एसआई में मास का यूनिट हुआ। लेंथ का यूनिट 1 मीटर और टाइम का यूनिट 1 सेकेंड। यहाँ देखो मास का यूनिट 1 ग्राम, लेंथ का यूनिट 1 सेंटीमीटर और टाइम का यूनिट 1 सेकेंड। एक बात तुम्हारे मन में आ रहा होगा, ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि व्हाई डज सर टेक 1 केजी, 1 केजी ही यूनिट के रूप में क्यों ले रहे हैं सर? तो 1 केजी इसलिए ले रहे हैं कि हम लोग यूनिट में हमेशा 1 ही वैल्यू लेंगे। बट अगर मान लो तुमसे कोई कह दे कि एक न्यू सिस्टम है जिसमें मास का यूनिट है 10 केजी, तो तुम्हें यहाँ 1 के बदले 10 लेना पड़ेगा, बट वो एसआई नहीं रहेगा। अगर तुम्हें कोई कह दे कि लेंथ का यूनिट 50 किलोमीटर है, तो यहाँ 1 मीटर के जगह पर तुम्हें 50 किलोमीटर मानना पड़ेगा, बट ये एसआई नहीं रहेगा, वो एक न्यू सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यूनिट अगर स्टैंडर्ड सिस्टम दिया हुआ है तो 1 ही लेंगे, और अगर कोई स्पेसिफिक सिस्टम दिया हुआ है तो उसमें जो यूनिट दिया रहेगा वो लेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद जब क्वेश्चन आएगा। तो होप कि तुम्हारी समझ में सारी बातें आ रही होंगी। अब देखो फॉर्मूला हमारे पास है एन टू इज इक्वल टू, नहीं हमारे पास फॉर्मूला है एन टू इज इक्वल टू एन वन एम वन बाय एम टू 1। हमने 1 क्यों लिखा, देखो इसके पहले जो फॉर्मूला हमने निकाला था उसमें था एम ए एल बी टी सी। यहाँ हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है क्योंकि वो अननोन क्वांटिटी का था। यहाँ देखो मास का पावर कितना है 1, लेंथ का पावर 1, टाइम का पावर -2। तो हम जो यहाँ यूनिट लिखेंगे या डायमेंशनल फॉर्मूला में पावर मास का 1 रखेंगे, यहाँ पर लेंथ का 1 रखेंगे और टाइम का -2 रखेंगे। आ रही बात समझ में? अब देखो इज इक्वल टू 1, इस टेबल से तुम्हें वैल्यू रखनी है मास का, एम वन का, एम टू का, एल वन का, एल टू का, टी वन किया, टी टू का। तो हम वैल्यू यहाँ रख रहे हैं, देखो एम वन 1 केजी बाय एम टू 1 ग्राम, इसका पावर 1 है। किसी भी नंबर का पावर या किसी क्वांटिटी का पावर अगर 1 होता है तो हम लोग 1 नहीं लिखते हैं। एंड इफ देयर इज नो पावर रिटन ऑन अ नंबर, रिटन ऑन अ वेरिएबल, रिटन ऑन एनी क्वांटिटी, देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, यू टेक द पावर एज 1। तो यहां हमने अब कोई पावर नहीं लिखा, तो इसका मतलब है कि इसका पावर 1 है। फिर देखो एल वन का वैल्यू 1 मीटर और L2 का वैल्यू 1 सेंटीमीटर, यहां भी देखो पावर 1 है, इसलिए हमने यहां भी कोई पावर नहीं लिखा है। टाइम का 1 सेकेंड, फिर 1 सेकेंड। तुम्हें पता है कि टाइम इज द ओनली फंडामेंटल क्वांटिटी व्हिच हैज सेम यूनिट इन ऑल द सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, नहीं टाइम का यूनिट सारे सिस्टम में सेम होता है। तो यहां 1 सेकेंड, 1 सेकेंड हमने लिख दिया। इसका पावर देखो -2 लिखा हुआ है, इसलिए हमने -2 यहाँ मेंशन किया, इसको नहीं छोड़ा है। अब यहाँ देखो 1, नेक्स्ट स्टेप में 1 आ गया। तुम्हें पता है कि 1 केजी में 1 ग्राम से डिवाइड करोगे तो 1000 आएगा, क्योंकि यह फंडामेंटल क्वांटिटी का रिलेशन है, 1 केजी इज इक्वल टू 10^3 ग्राम या 1000 ग्राम, नहीं तो हमने यहाँ 1000 लिख दिया। ग्राम कैंसिल हो जाएगा, यूनिट दोनों सिमिलर क्वांटिटी का रेशियो है मास बाय मास, इसलिए यहाँ जो 1000 होगा
यहाँ पर कोई यूनिट नहीं रहेगा। फिर 1 मीटर बाय 1 सेंटीमीटर है, तुम्हें पता है कि देयर आर 100 सेंटीमीटर इन 1 मीटर, तो यहाँ क्या हो गया 1 मीटर बाय 1 सेंटीमीटर मतलब 100। 1 सेकेंड 1 सेकेंड, देखो ये कैंसिल हो गया कंप्लीट, तो क्या आ गया 1, और 1 का पावर कुछ भी रहे वैल्यू क्या रहेगा 1। अब देखो ये 10 पावर 3, इसको हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू 10 पावर 3 इंटू 10 पावर 2, तो ये हो गया 10 पावर 5। तो 1 न्यूटन N1 U1 इज इक्वल टू N2, तुम्हें मिल गया 10 पावर 5 टाइम्स, ये हो गया वैल्यू इसका। आ रही बात समझ में? तो ये हमारा सेकेंड एप्लीकेशन था। अब हम लोग थर्ड एप्लीकेशन देख रहे हैं, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल इक्वेशन। टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल इक्वेशन, कोई भी फिजिकल इक्वेशन अगर तुम्हारे पास है तो वो डायमेंशनली करेक्ट है या रॉन्ग है, इसको हम लोग चेक कर सकते हैं इस मेथड से। अब तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि फिजिकल इक्वेशन क्या होता है, तो जनरल इक्वेशन क्या होता है, ये होप कि तुम्हें आता होगा। जनरल इक्वेशन जो होता है, अलजेब्रा में हम लोग इक्वेशन पढ़ते हैं, वो होता है वेरिएबल और कॉन्स्टेंट का रिलेशन। नहीं, जैसे मान लो हम लोग एक जनरल इक्वेशन लिखते हैं एक्स प्लस वाई या 3y इज इक्वल टू 5। यहाँ 5 और 3 क्या है नंबर, और x और y क्या है वेरिएबल। फिजिकल इक्वेशन का मतलब है कि ये x और y नहीं होगा, यहाँ पर फिजिकल वेरिएबल होगा। फिजिकल वेरिएबल मतलब फिजिकल क्वांटिटीज विल बी टेकन एज वेरिएबल्स, मतलब फिजिकल क्वांटिटीज को वेरिएबल के रूप में अगर हम ले और एक इक्वेशन बना दे तो वो क्या कहलाएगा, फिजिकल इक्वेशन। तुम्हें याद होगा बहुत सारा फिजिकल इक्वेशन तुमने 9 में 10 में पढ़ा है। जैसे तुमने एक फिजिकल इक्वेशन 9 में पढ़ा होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। तुमने फिजिकल इक्वेशन पढ़ा होगा f इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर। तुम फिजिकल इक्वेशन पढ़े होगे मिरर फॉर्मूला में, 1 बाय यू प्लस 1 बाय वी इज इक्वल टू 1 बाय एफ। तुम पढ़े होगे v इज इक्वल टू आई आर। ये सारा क्या है, फिजिकल इक्वेशंस है, क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटीज के बीच रिलेशंस को बताता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल इक्वेशंस। तो ये फिजिकल इक्वेशंस आ गया समझ में। अब हम ये चेक करेंगे कि यह फिजिकल इक्वेशन जो है यह डायमेंशनली करेक्ट है या रॉन्ग है। तुम्हारे मन में एक और क्वेश्चन बार बार आ रहा होगा कि हम लोग डायमेंशनली करेक्ट या डायमेंशनली रॉन्ग क्यों बोल रहे हैं, सीधे करेक्ट या रॉन्ग क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, इसमें डायमेंशनली करेक्टनेस का क्या मतलब होता है और सिंपल करेक्टनेस का क्या मतलब होता है, ये आगे हम लोग देखेंगे, तुम्हारी समझ में वहां आ जाएगा। एक होता है इसी चीज को, मतलब इस एप्लीकेशन को, डायमेंशनल करेक्टनेस को समझने के लिए हमें समझना होगा एक प्रिंसिपल, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। होमोजेनिटी होमोजेनियस वर्ड से बना है, और होमोजेनियस का मतलब होता है एक जैसा। तो होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस मतलब डायमेंशंस एक जैसा होना चाहिए, डायमेंशंस सेम होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। इससे रिलेटेड एक प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल का स्टेटमेंट है द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ साइड्स ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन मस्ट बी सेम। द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ साइड्स ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन मस्ट बी सेम, यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस है। जैसे देखो यहाँ पर ये फिजिकल इक्वेशन है, इसमें कितने टर्म्स है, देखो 1 2 3 टर्म्स, इसमें है 1 और 2 टर्म्स,
इसमें है वन टू थ्री टर्म्स, इसमें वन टर्म और टू टर्म्स। हम लोग यहाँ टर्म्स को समझेंगे और क्वांटिटीज को समझेंगे। देखो हमने v को सेपरेट टर्म माना, u को सेपरेट टर्म माना और at को एक साथ माना, v, u और at। तो why do we take at as a single term? जब दो क्वांटिटी या दो से ज्यादा क्वांटिटी, मींस व्हेन टू और मोर क्वांटिटीज आर कनेक्टेड बाय द साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, दे आर ट्रीटेड एज अ सिंगल टर्म, बट द क्वांटिटीज सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस और इक्वल टू और इनइक्वालिटी साइन, मींस ग्रेटर देन और लेस देन, आर ट्रीटेड एज सेपरेट टर्म्स। मतलब जिस दो टर्म के बीच प्लस माइनस इक्वल टू ग्रेटर देन या लेस देन का सिंबल रहेगा वो अलग अलग टर्म माना जाएगा, और अगर जिस क्वांटिटी के बीच इनटू का मल्टीप्लीकेशन का और डिवीजन का साइन होगा उसको हम लोग सेम टर्म मानेंगे। जैसे यहाँ देखो जी एम वन एम टू सबके बीच मल्टीप्लीकेशन का साइन है और ये देखो डिवीजन का साइन है, इसको हम लोग क्या मानते हैं सिंगल टर्म, ठीक। लेकिन इस टर्म में टू क्वांटिटीज है, दिस टर्म हैज टू क्वांटिटीज, दिस टर्म हैज वन क्वांटिटी, दिस टर्म हैज वन क्वांटिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस टेल्स दैट दीज टर्म्स मींस ऑल दीज थ्री टर्म्स मस्ट हैव सेम डायमेंशंस। मतलब v इज इक्वल टू यू प्लस at में जो डायमेंशनल फॉर्मूला v का होगा वही u का होगा और वही at का होगा, ठीक है। ये किसने कहा? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस ने कहा। अब इसको थोड़ा सा हम और एक्सप्लेन करते हैं तुम्हारे लिए। जैसे मान लो कि तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें 500 रुपया दिया और बोला कि तुम जाओ और मार्केट से 1 kg एप्पल परचेज कर लेना, तो तुम गया और 1 kg एप्पल परचेज कर लिया, ठीक है। 1 kg एप्पल जब तुम परचेज किया तो तुम 1 kg एप्पल का मान लो तुमको प्राइस देना पड़ा 200 रुपीज देना पड़ा प्राइस तुमको। अब कितने रुपये तुम्हारे पास बच गए? 300 रुपीज यू हैव। अब तुमको क्या करना है कि 5 kg ऑनियन परचेज करना है, इसका तुमने 1 kg एप्पल परचेज किया और अब क्या करना है 5 kg ऑनियन परचेज करना है, और मान लो 100 रुपीज में तुमने 5 kg ऑनियन परचेज कर लिया। अब तुम्हारे पास रिमेनिंग अमाउंट बच गया 200 रुपीज बच गया। तुम घर लौट रहे हो इतना सामान खरीद कर और तुमसे कोई तुम्हारा दोस्त मिल गया, पूछेगा तुम्हारे पास कितना सामान है, तो तुम क्या रिप्लाई करोगे बताओ? कमेंट में लिखो क्या रिप्लाई करोगे। अगर 1 kg एप्पल और 5 kg ओनियन है, तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तुम्हारे पास कितना सामान है, तो तुम क्या करोगे, क्या रिप्लाई करोगे? आई एम वेटिंग योर रेस्पॉन्स। What will you reply? क्वेश्चन लगता है समझ में नहीं आ रहा है। मैंने पूछा कि अगर तुम 200 रुपीज का 1 kg एप्पल और 100 रुपीज का 5 kg ओनियन परचेज करके और 200 रुपीज वापस लेकर घर लौट रहे हो, किसी ने तुमसे पूछा कि तुम्हारे पास कितना सामान है, तो तुम क्या जवाब दोगे? तुम यह जवाब दोगे कि तुम्हारे पास 6 kg
देखो एक बच्चे का आंसर आ गया प्रकृति का, प्रकृति ने बताया है कि 6 kg आंसर होगा। तो तुम बताओगे कि तुम्हारे पास 6 kg सामान है। अब प्रश्न उठता है कि क्या तुम ये कह सकते हो कि 206 सामान है मेरे पास, मतलब 200 को तुम 6 में ऐड कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि 200 और 6 अलग अलग क्वांटिटी है, बट तुमने 5 kg और 1 kg को ऐड कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ कि एडिशन सिमिलर क्वांटिटीज का हो सकता है? नहीं। लेकिन अब दूसरा एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, अगर मान लो तुम 5 kg ऑनियन ₹100 में परचेज करके ले आए और तुमसे किसी ने पूछा कि पर केजी इसका क्या कॉस्ट है, तो तुम क्या करोगे? ₹100 को 5 से डिवाइड कर दोगे, 5 kg से, और बताओगे कि इसका जो प्राइस है यह है ₹20 per kg। नहीं, मतलब डिवीजन हो सकता है डिफरेंट क्वांटिटीज में, मल्टीप्लीकेशन भी हो सकता है। ₹20 per kg × 5 kg विल बी हाउ मच? ₹100। तो हम मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन सिमिलर क्वांटिटी में कर सकते हैं, डिफरेंट क्वांटिटी में भी कर सकते हैं, बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिमिलर क्वांटिटी में ही कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर 1 kg और ₹200 को ऐड करना है तो नहीं ऐड कर सकते। तो इसी पर बेस्ड ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस है कि द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ साइड्स ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल इक्वेशन मस्ट बी सेम। अब देख, इफ द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म आर सेम देन द इक्वेशन इज सेड टू बी डायमेंशनली करेक्ट, अदरवाइज नॉट। कहने का मतलब यह है कि अगर डायमेंशनल प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस फॉलो हो रहा है तो ही इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे और मे नॉट बी एक्चुअली करेक्ट। इसका मतलब यह हुआ कि जो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है वह रॉन्ग भी हो सकता है। कैसे होगा ये हम लोग एग्जाम्पल लेकर देखेंगे। एग्जाम्पल में देखो, लेट अस चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करना है। इसमें देखो कितने टर्म्स हैं, इसमें 3 टर्म्स हैं, s, ut और हाफ at स्क्वायर। इसको चेक करने के लिए हमें इस तीनों का निकालना पड़ेगा डायमेंशनल फॉर्मूला। और अगर s, ut और हाफ at स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहा तो हम क्या मान लेंगे? हम मान लेंगे कि हमारा जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है, अदरवाइज रॉन्ग है। अब यहां देखो s, s फॉर डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब लेंथ, और लेंथ का डायमेंशनल सिंबल l। ut मींस u इनटू t, u स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी इज lt-1, एंड t स्टैंड्स फॉर टाइम, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टाइम इज t, सो द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ut इज l। अगेन यू सी हाफ at स्क्वायर, हाफ इज अ नंबर एंड नंबर्स आर डायमेंशनलेस, नंबर्स आर डायमेंशनलेस क्योंकि नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता, वो डायमेंशनल सिंबल नहीं होता क्योंकि वह किसी फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है। ए स्टैंड्स फॉर एक्सीलरेशन, सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन इज lt-2, एंड टी मींस डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टाइम इज t2 बिकॉज 2 इज हियर पावर। यू सी t2 एंड t-2 विल कैंसिल ईच अदर एंड यू विल हैव l। सो ऑल दीज 3 टर्म्स have same dimensional symbols. What does it mean? It means the given equation
follows principle of homogeneity of dimension, hence this equation is dimensionally correct. No. Now it doesn't matter whether it is actually correct or not. You see, if we take s is equal to ut plus at square, जैसे मान लो हम यहाँ एक equation ले लें, s is equal to ut plus at square. तो यहाँ s का dimensional formula l, ut का dimensional formula l, ये तुमने यहाँ देखा. और देखो half अगर हटा देंगे तो भी at square होगा, इसका dimensional formula l. आ रहे बात समझ में? तो यहाँ s is equal to ut plus at square का भी क्या हो जाएगा? All the three terms will have same dimensional formula. मतलब this is also dimensionally correct. Dimensionally correct. But is it actually correct? Is it correct in actual sense? Your answer will be no. It is not actually correct because it is not having half. मतलब तुमने जो formula पढ़ा है वो s is equal to ut plus half at square है और यहाँ तुमको क्या मिल रहा है s is equal to ut plus at square, इसलिए यह क्या है dimensionally correct है लेकिन actually correct नहीं है. तो ये हमने आज सीखा क्या dimensional analysis method से दो application. पहला हमने सीखा कि उसका यूनिट लिख सकते हैं, दूसरा सॉरी तीन एप्लीकेशन हमने सीखा. दूसरा हमने सीखा कि हम डायमेंशनल एनालिसिस का हेल्प ले करके किसी भी क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकते हैं वन यूनिट सिस्टम से अदर यूनिट सिस्टम में. और फिर चौथा हमने ये तीसरा हमने सीखा कि हम डायमेंशनल एनालिसिस मेथड से चेक कर सकते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी के करेक्टनेस को. नहीं तो इतना हमने सीखा एप्लीकेशन. इसका एक और एप्लीकेशन है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और फिर उस दिन हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस मेथड का लिमिटेशंस क्या है. मैंने तुम्हें यहाँ तक का मतलब डायमेंशनल एनालिसिस के लिमिटेशंस तक का पीडीएफ भेज दिया था, इसलिए आज के क्लास से पहले तुम्हें कोई पीडीएफ नहीं भेजा गया. नेक्स्ट क्लास में मैं पीडीएफ नहीं भेजूंगा, नोट्स नहीं भेजूंगा, क्योंकि उसका भी मैंने तुम्हें पहले भेज दिया है. ठीक है, अब क्या है कि अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो तुमको क्वेश्चन भेजूंगा. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक एप्लीकेशन सीखेंगे, दूसरा क्या करेंगे लिमिटेशन सीखेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो क्वेश्चन मैं तुम्हें पहले पीडीएफ में भेज दूंगा और यहाँ पर डिस्कस भी करूंगा. एक क्वेश्चन आया है, सर अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है और प्रैक्टिकली रॉन्ग है तो फिर हम कैसे करेक्ट इक्वेशन को पहचानेंगे? अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है बट प्रैक्टिकली रॉन्ग है तो हम उसकी पहचान डायमेंशनल मेथड से नहीं कर सकते हैं, यह डायमेंशनल एनालिसिस का लिमिटेशन है. बात आ गई समझ में? उसकी पहचान हम तभी कर सकते हैं जब हम उस इक्वेशन के डिराइवेशंस को या उसको प्रैक्टिकली समझ चुके होंगे, डायमेंशनल मेथड से हम वो नहीं निकाल सकते हैं. ठीक है, तो होप कि तुम्हें आंसर मिल गया होगा. और भी कोई डाउट अगर है इससे या इसके प्रीवियस क्लास से तो तुम हमें ये नोट्स कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उसको देखूंगा. तो मैं वेट कर रहा हूँ कमेंट बॉक्स में तुम्हारे कमेंट का कि अगर कोई डाउट है तो उसे बता दो. डाउट अगर है कुछ तो लिखो और अगर डाउट नहीं है तो नो डाउट लिखो.
ओके, तुम लोगों को कोई डाउट नहीं है? कल हम मंडे का क्लास मैं नहीं ले पाया था, तो ऐसा कभी कभार होगा कि मैं क्लास नहीं ले पाऊं, तो उसके लिए दुखी नहीं होना है। हम लोगों के पास पूरा प्लान है कि कैसे वो कंप्लीट होगा, और मैं कंप्लीट करूंगा। इसलिए कभी अगर क्लास नहीं हो पाए तो उसके लिए दुखी नहीं होना है कि आज क्लास नहीं होगा। पता नहीं फिर अगले दिन क्लास होगा कि नहीं होगा, तो अगले दिन निश्चित रूप से क्लास होगा, और मैं कन्वे नहीं कर पाता हूँ तुम लोगों को कि क्लास नहीं होगा। सो अगर ऐसा रहे तो तुम लोग लॉग इन जरूर करोगे, देखने की कोशिश करोगे, और अगर नहीं क्लास रहे तो अपना लॉग आउट कर लोगे। ठीक है, थैंक यू। हम लोग क्लास खत्म कर रहे हैं।